देश में लॉकडाउन जारी होने के बाद से सभी स्कूलों के शटर डाउन हो गए हैं। ऐसे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद होने की वजह से बच्चों का कोर्स पीछे ना हो और उन्हें पढ़ाई में कोई समस्या ना हो, इसके लिए यूपी के अमेठी जिले में इंटरनेट के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। दरअसल अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व्हाट्सएप से ग्रुप बनाकर विद्यालय में शिक्षणरत छात्रों को पढ़ाई से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराकर इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी क्रम में अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने ई पाठशाला की हकीकत जानने के लिए जिले के मॉडल प्राथमिक विद्यालय पचेहरी का निरीक्षण किया। इस दौरान अमेठी के मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने ई पाठशाला से जुड़े बच्चों को इंटरनेट के जरिए और बेहतर तरीके से पढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में ई पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। इस मुहिम में 12 ब्लॉकों के 40 से अधिक विद्यालयों को जोड़ा गया है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाता है और शिक्षक भी इंटरनेट से जुड़कर बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं। जिनपद अमेठी में ई पाठशाला का एक नया प्रयोग किया गया है और ये पूरी तरह से सफल है। अभी तक 12 ब्लॉकों के 40 से अधिक स्कूलों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें हमारे टीचर्स और बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से आपस में जुड़ते हैं तथा उनको जो पठन सामग्री होती है वो उपलब्ध कराई जाती है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और काफ़ी अच्छे से इसमें इसका मैसेज भी बहुत अच्छा जा रहा है, बच्चे भी लगातार इसमें कनेक्टेड हैं। देखा जाए तो इस लॉकडाउन के बीच ये बेहद अच्छी पहल है और आगे भी लगातार इस पहल को जारी रखा जाना चाहिए, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल बना रहे और बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रहे। अमेठी से जनमत न्यूज के लिए राम मिश्रा की रिपोर्ट।